वेलकम। मुझे थोड़ा बता दीजिएगा कि लाइव हूँ या नहीं। एक मिनट के लिए मैं देख चेक कर रहा हूँ। अच्छा, 8 लोग देख रहे हैं। ओके डेवो, नमस्ते सभी को। पता लिंक शेयर कर दीजिएगा। ममता नंदन, संगीता सभी को गुड इवनिंग। पुनीता, रिद्धि, जया एंड नंदन। यस, मैं लाइव हूँ। चलिए, ये CDPO का क्वेश्चन है, पेपर 3। ठीक है, हम लोग ने दो देखा अभी तक, CDPO का क्वेश्चन, ये पेपर 3 है। इसमें भी हम लोग आपको जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इसमें से क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊंगा 65 में जो BPSC में आया था वो। मैं एक तो आप लोगों को सीरीज, जैसे आप लोगों ने कहा भी था कि सर सीरीज एक लाइए कंप्लीट, जिसमें जितने भी BPSC के वो पूछे गए क्वेश्चन है वो कराने के लिए, तो वही मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, जुड़ जाइए सभी लोग। थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दें सभी। एला, श्रीकांत सभी लोग फटाफट जुड़िए। ममता, मैसेज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैसेज नहीं किया मैं। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा ग्रुप में एक डाल देता हूँ। बोल रहे थे कि मिलता नहीं है लिंक। यस, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। जितने बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, यस, गुड इवनिंग अपर्णा, मिस्टर इनविजिबल, लॉन्ग टाइम सर, बहुत बहुत बढ़िया। कहाँ बिजी रह रहे हो आजकल? नीरज, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, 21 बच्चे जुड़े हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, पेट का लिए देखिए, आप लोग को जो भी जोड़ रहे हैं बच्चे उनको मैं बता दूं कि एक बैच भी आ रहा है आप लोग को। ठीक है, बट उसके पहले ये CDPO का जो क्वेश्चन है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मैंने शेयर कर दिया है। अब थोड़ा सा चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। आंसर बताइएगा अभी जो भी 20-25 बच्चे हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे सभी लोग, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बहताब, विवेक, नीरज। चलिए, पहला क्वेश्चन CDPO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, अंतिम है। मैंने दो पार्ट इसका करा दिया है और ये आपको एक पार्ट इसका बचा हुआ है। चलिए, आंसर बताइएगा सभी लोग। हु सेड वेयर एवर आई एम देयर इज ए जगदीशपुर। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? आप लोग आंसर ऐसे बताइएगा, ए का ए, ए का सी, ऐसे करके, दो का डी, ऐसे करके आंसर बताइएगा। ठीक है, हाँ, हेलो छोटी। पहला का कुंवर सिंह इज द राइट आंसर। यस, वेरी नाइस, पहला का कुंवर सिंह इज द राइट आंसर। कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह ने आपको बात कही थी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उसका किसका अवतार मानते थे? आंसर बताइएगा सभी लोग। दो का आंसर बताइएगा। वेरी नाइस, दो का आपको, नहीं, धरती अब्बा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, धरती अब्बा इज द राइट आंसर। यस, सिंह बोंगा तो भगवान मानते थे ना, धरती अब्बा के ये मानते थे। ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह बोंगा, धरती अब्बा है ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो आयोग के द्वारा दिया गया है।
अच्छा, अवतार सिंह बोंगा का मानते थे, है ना? सही बात है, अवतार सिंह बोंगा का मानते थे और धत्ती आबा इनको कहते थे, लेकिन यह आयोग के द्वारा आंसर है, ठीक है, बट इसको हम लोग सिंह बोंगा ही कर लेते हैं। सही बात बोले, क्या यही होगा? ठीक है, हाँ, धरती आबा के रूप में फेमस थे, सिंह बोंगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन किस स्थान पे गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? चलिए, इन विच प्लेस वॉज द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड गोल्डन लीग फॉर्म टू वर्क फॉर बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट? आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए सभी लोग, 3 का आंसर सभी लोग। अच्छा, ये आप लोग को पीपीटी ज़्यादा साफ है कि यह पहले वाला साफ रखता था? ये इसमें थोड़ा सा एनिमेशन भी करवाया है, तो वर्डिंग थोड़ा सा क्लियर भी करवाया है। अभी वाला साफ है या पहले वाला पीपीटी साफ लगता था? ए ए बी ए बी डी ए, वेरी नाइस। काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें आप लोग के द्वारा, लेकिन इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या है। इसका राइट आंसर देवघर है, यस, देवघर में आपको इन्होंने किया था, राइट आंसर देवघर। इन्होंने जो आपको ये स्थापना किया था, क्या गोल्डन लीग, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी, सीडीपीओ का क्वेश्चन है। अच्छा, आपका होम टाउन है, हाँ, तो वहीं पर ये स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? पटना से प्रकाशित आपको होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम पटना? अनीता, श्वेता, स्मृति, सोनाली, महताब, सदेश, अंबिक, विवेक, नंदन, आशीष, एंजल, अपर्णा, दीपिका, जितेंद्र, प्रभात, पूजा, नेहा, छोटी, रितेश, सीके, एला, संगीता, अंबिका, वीना, मिस्टर इंडिविजुअल। ठीक है, वेरी नाइस, आप लोग का बहुत लोग इसमें से सही किए हैं, बहुत लोग इसमें से गलत किए हैं। राइट आंसर आपको था बी, द बिहार हेराल्ड। राइट आंसर द बिहार हेराल्ड इज द राइट आंसर। ये मेरा नहीं है, ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है ये, ठीक है, अनअकैडमी बीपीएससी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म द रविदास सभा इन बिहार इन 1928? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? हेलो मोना, आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। वेरी नाइस, सतीश, अनीता, रितेश, छोटी, श्वेता वर्मा, हाँ वो रहेगा ही, विवेक, दीपिका, नुवांजू, अर्चना, अभिषेक, आंसी, नीलम, वेरी गुड, रोमी, संगीता, वीना, जी हाँ, 1928 में बिहार में रविदास गठन का आपको किसने किया था? राइट आंसर आपको जगजीवन राम जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नील की खेती करने से छूट जाते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? यदि कोई ये नील की आपको मतलब किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, तो उसके लिए ने कौन सा आपको क्षतिपूर्ति के रूप में आपको उन्हें कर देना पड़ता था? बट्टा, जाजिया, तवान या नजराना, क्या देना पड़ता था? पढ़ाया वो मेरा हुआ है, स्मृति, दयानंद, कंचन, मोना, नीलू, इनविजुअल मतलब सतीश, अभिषेक, पुनीता, नीलम, एंजल, नेहा, ईश्वर, अंचल, नीरज, छोटी, रोमी, अस्मिता, वीना, जितेंद्र, अंचल, अंबिक। राइट आंसर तवान कर देना पड़ता, तवान कर, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था और लिखाया भी होगा, ठीक है, तवान कर, तवान देना पड़ता था कि इससे इनको क्या होगा, इससे हमको नील की खेती नहीं, ये खुद ही इतना ज़्यादा होता था कि इससे अच्छा वो नील की खेती ही कर लेते थे, क्योंकि नुकसान वैसे भी बहुत ज़्यादा था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट जिला स्कूल ओपन इन 1935? 1835 में जिला स्कूल कहाँ पर सर्वप्रथम खोला गया था? आंसर बताइए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना या रांची? 7 नंबर क्वेश्चन आंसर बताइएगा सभी लोग, सब क्वेश्चन है, बिहार का कुछ क्वेश्चन है, बाकी फिर हिस्ट्री मिलेंगे, ज्योग्राफी मिलेंगे, क्वेश्चन है इसमें, वेरी गुड, दीपिका, अभिषेक, मिक्की, छोटी, नीतलू,
नीतू, वीना, पिंकी, पूजा, कंचन, जितेंद्र, सुलेखा, मोना, पुनीता, एंजल, अपर्णा, संगीता, एंजल, रोमी, रवि, रितेश, जितेंद्र, स्मिता, सुरुचि, आनंद, सीके, जितेंद्र एंड नीलम, बूज, किशोर सिंह, ओके, नंदन, रिद्धि, अंबिक, एला, नंदन, यस, वेरी नाइस। आप लोग कंफ्यूजन सब में है, नहीं पोलिंग रहता तो पता चल जाता। पटना का था ये, आपको क्वेश्चन आया भी था, ये एक बार का क्वेश्चन नहीं है, ये बीपीएससी ने भी पूछा है और ये सीडीपीओ में भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिला स्कूल के बारे में। अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट रखिए सर, फॉन्ट बड़ा रखिए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कुछ जवाब ही नहीं दिए, मैं क्या करूँ। मतलब ये पीपीटी क्लियर है या फिर इसके पहले वाला पीपीटी क्लियर है क्या, वही तो पूछ रहा हूँ आप लोग। नहीं, इंड नहीं हुआ है, वो गलती से चला गया है। अच्छा मेरे सेट में था, ओके 1 मिनट जी, नहीं 24 नंबर, 1 मिनट रुके, 1 मिनट, ये 8:30 या 8:45 पर डे क्लास होती है, 1 मिनट रुके यार, इंड वाला बटन दब गया था, 8:45। अच्छा पहले वाला का वो सब ठीक था, क्लियर दिख रहा था, वही पूछ रहा हूँ मैं, पहले वाला का क्लियर दिख रहा था, ये थोड़ा एनिमिनेशन था इसीलिए मैंने किया था। अच्छा ठीक, मैं कह दूंगा फॉन्ट वगैरह सही करने को, ओके। हाँ आर एस का क्वेश्चन ये निकला है वैकेंसी, लेकिन उसमें सिलेबस उसका देख लेना, भरने से पहले एक बार सिलेबस देख लेना कि क्या भर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा एनिमेशन है इसीलिए थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, मुझे तो लगा था कि आप लोगों को पसंद आएगा ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अरे उसका सिलेबस बहुत बड़ा है देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पे थे, आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए सभी लोग। ये क्लास एवरीडे अभी होगा फिलहाल 7-8 दिन लगातार, 8:45 पे, दीप्ति, ठीक है, नगर पालिका के चेयरमैन, यस वेरी नाइस, नगर पालिका के चेयरमैन थे ये, ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गुड इवनिंग, किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, श्रीरंगपट्टनम है, अरे श्रीरंगपट्टनम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 9 का ए, 10 बताइए, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सचिव या मुख्य सचिव होते हैं, कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख, ठीक है, मुख्यमंत्री, कार्यकारी लिखा हुआ है ना, मुख्यमंत्री होते हैं, यस, और सेंट्रल प्रधानमंत्री कार्यकारी में एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा की नोट की देनदारी किसकी होती है, करेंसी नोट्स ऑफ ₹2 डिनोमिनेशन एंड अबव आर लाइबिलिटीज आर, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उपयुक्त सभी या ई, अच्छा दोनों सी और डी, ठीक है, आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए सभी लोग, वेरी नाइस, भारत सरकार इज द, ये आरबीआई इज द राइट आंसर, आरबीआई, यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो बाकी 1 रुपए का जो सिक्का वो भारत सचिव करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है, यही कोई पूछ रहा था ना लास्ट दिन, ये कैसा क्वेश्चन है, मशरूम सेल का उदाहरण, एबॉर्शन, इरोजन के द्वारा, डिफ्लेशन के द्वारा या फिर एट्रिशन के द्वारा, रगड़ के द्वारा होता है और स्फीति के द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, ये मैंने अपने सेट में पूछा था इसका क्वेश्चन, अपने सेट में इसका आंसर क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मशरूम रॉक जो होता है एक रॉक का प्रकार है, एक सेल का प्रकार है, या उसका निर्माण कैसे होता है, मैंने ये अपने क्वेश्चन में पूछा था आप लोग अपने वाले सेट में, ठीक है, अपघर्षण के द्वारा, एब्रेशन के द्वारा, ठीक है,
घर्षण होता है उसमें, टूटना नहीं होता, घर्षण घर्षण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोटो देख लीजिएगा आप, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिसिटी, वोल्केनो सिटी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है? आंसर बताइए आपको, भू अभिनति है, ढलान है, एटोल है, या वलित पहाड़ है? आपको जियो साइक्लेन है, आपको एस्क्रेपमेंट है, एटोल है, या फिर फोल्डेड माउंटेन है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। ज्वालामुखी में कौन सा यह उत्पाद आपको होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यस, राइट आंसर इज ई, ई इज द राइट आंसर। यस, ई होगा, इसमें से आपको कई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंसे सब। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, सभी लोग जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा। चौदह का डी, डी, संध्या, सुमित, 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 इंदु, अपर्णा, ऋषभ, प्रभात, सतीश, सृष्टि, जितेंद्र, मोना, पिंकी, इंदु, सतीश, पुनीता, महताब, अभिमन्यु, छोट, ये दरोगा सेट में, हाँ ये दरोगा सेट में क्वेश्चन है। विवेक, मिंटू, अनीता, नंदन, एला, कुमारी, संजना, सोनाली, संगीता, सुमित, छोटी, आनंद, पिंकी, सुरुचि, मिक्की। वेरी नाइस, सभी का सही है। एक दो कब बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे, बाकी लगभग में लगभग आपको सबका से डी कंपोजिटर का आपको विक्ट क्या, हाँ जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? वन वन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। सिंपल सा चीज़ हम लोग कहते हैं कि किसके बीच की दूरी को खगोलीय इकाई, जैसे आपको प्रकाश वर्ष होता है वैसे ही खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी को कहते हैं? 100% के लिए जवाब दीजिए। नमस्ते संजीव जी, सतलज, इंदु, दीप्ति, समीर, वेरी गुड, वेरी नाइस। राइट आंसर आपको पृथ्वी एंड सूर्य, यस, अर्थ एंड सन के बीच की दूरी को हम लोग एक खगोलीय दूरी कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कई बार का क्वेश्चन है, चाहे दरोगा हो, सीडीपीओ हो, बीपीएससी हो, ये सीडीपीओ का क्वेश्चन आपको है, ठीक है। तो देख लीजिए आपको क्वेश्चन का पैटर्न। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इन टू द एनर्जी। आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16, 16 का आंसर बताइए सभी लोग। सतीश, कंचन, अभिमन्यु, नंदन, अनीता, सृष्टि, जितेंद्र, बीरू, अपर्णा, नीलम, सुरेखा, कुमारी, संजना, मिक्की, पिंकी, ऋषभ, एला, सरताज, सतराज, सोनाली, मोना, पिंकी, सुमित, नेहा, वीरू, इंदु। आप लोग डबल करते हैं, रितेश, अंचल, या डबल आप लोग का आंसर आता है? विवेक, ये भी क्वेश्चन था, देखिए अब फायदा हुआ ना क्वेश्चन करने का। राइट आंसर आइंस्टीन, आइंस्टीन ने कहा था कि आपको एनर्जी में बदला जा सकता है। जी हाँ, सेट बनाने से फायदा हुआ। यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीपीओ का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं ध्यान रखिएगा, ये सीडीपीओ के द्वारा जोड़ा गया क्वेश्चन है। सीडीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा था, लास्ट सीडीपीओ, जो भी एग्जाम आप लोग का होने वाला है ना वही। आंसर बताइए, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा, वेरी नाइस, सभी का सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, यस। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, ये पॉज हो गया, आ गया फिर से, ठीक है। चलिए, ईंधन सेल इज द राइट आंसर, ईंधन सेल को डायरेक्ट बदल देती है। 17 का नहीं, बी और सी जरूरी देगा, थोड़ी देगा। 1 मिनट, ईंधन सेल है, ठीक है, देख लेना इसको, क्रॉस चेक कर लेना। हाँ, लेट लेट नहीं हुए,
एमसीक्यूज में कभी लेट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, मतलब पेयर के रूप में मौजूद रहती है, उसको चेक कर लेना। वो आपको इसमें एक्सप्लेनेशन है इसका, मैं सिंपल सा, अगर एक्सप्लेनेशन वाला यूट्यूब चाहिए तो बोलिए, वो कर देता हूँ मैं। आप लोगों ने तो कहा था प्रीवियस ईयर, अब पॉसिबल नहीं है ना, 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन आपको करेंट किए, 120 क्वेश्चन होते हैं। अब उसको मैं 3 पार्ट में तोड़ता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो वो कम से कम 8 पार्ट में चला जाएगा। चलिए आंसर बताइएगा, ये तो आसान सा प्रश्न है ना, एड्रेनल, इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं, किडनी के पास, हाँ किडनी के पास ये होता है, ये जोड़े के रूप में होता है, ठीक है, ये जोड़े के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कर चाहो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर आप ही लोग नहीं रहते, एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। तो ए नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड कॉरस्पॉन्डेंट टू 100 डेसिबल आपको ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होता है किससे? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। वाइटी से ना फायदा मिल रहा है ना, तो यही फायदा मिलता है कि एमसीक्यू दो चार जगह करोगे ना तो ये, फिर अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, यस, ये फायदा होता है आप लोग को, एक मशीन शॉप में आने वाले शोरगुल के हिसाब से आपको होता है। यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षैतिज वृत्त, तो यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ द कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट? वेलोसिटी यानी वेग उसका कॉन्स्टेंट रहता है, त्वरण रहता है, एक्सेलरेशन रहता है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, या फिर कैनेटिक एनर्जी रहता है, बताइए कौन सा आपको 20 नंबर बताइए। पुनीता, रवि, प्रभात, वेरी नाइस, सतराज, बीरू, अंचल, छोटी, सतीश, मोना, स्मृति, रिचा, जितेंद्र, रितेश, गुलशन, प्रमोद, इंदु, वीना, सृष्टि, महताब, प्रियंका, आयुष, विवेक, गति जो जाती, कैनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर। ठीक है, कई लोगों ने इसमें सही मारा, कई लोग इसको ई भी मान रहे थे, इसका ई भी आंसर सही हो सकता है अगर हम लोग अगर बात करें वेग की तो, लेकिन आयोग के द्वारा इसका आंसर कैनेटिक एनर्जी दिया गया था। ठीक है, ये कहाँ गया पेन? हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर ई भी हो सकता है, बट आयोग के द्वारा कैनेटिक एनर्जी इसका आंसर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयोग का आंसर है, मेरे द्वारा ही आंसर नहीं दिया, ये जितने भी आंसर है ना सब कमीशन का आंसर है, जितने भी कैंसर है सब कमीशन के द्वारा दिया गया आंसर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या मैं इंग्लिश की तरफ हो जाऊं? ओके शिवम, नहीं मैं इसमें नहीं हो सकता, यहां पर वो स्विच करने वाला नहीं है, उसका आंसर ई होना चाहिए था, बट आयोग का आंसर है, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे हो जाता हूं। हाँ तो वो आप अंडरस्टूड है, वो कर कर चलिएगा। ठीक है, अब दिख रहा है ऑप्शन, सभी ऑप्शन सभी दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर आप 21 का आंसर बताइएगा। अब ठीक है, तो पहले बताना चाहिए था, थोड़ा सा इसका मैं वो कर लूंगा। 21 का आंसर बताइएगा, कुकिंग ताप पर स्थिर होने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर बताइए। यस, वेरी नाइस, सुक्रोज। ठीक है, ये तो आपको कई बार का क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बीपीएससी के द्वारा ही क्वेश्चन है, यार मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? आंसर बताइएगा, एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, कौन इसमें है? आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आपके यूट्यूब पे कहा गया, फिर ऐसे होगा, यहां पर जाकर आप क्या कीजिए, इसको अपने लिखा होगा यहां पर आप लोग को, क्वालिटी क्वालिटी चेंज कर लेना, क्वालिटी चेंज कर लो आप लोग। ठीक है, यस, वेरी नाइस,
ये बीपीएससी का है आंसर, क्यों बीपीएससी के द्वारा ही ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन नहीं है आपको, ठीक है ध्यान रखिएगा जी। यस वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितना, ये आपको इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ आपको हेपेटाइटिस बी वायरस इज कितने दिन का होता है, 1 सप्ताह है या समास नहीं है। आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए सभी लोग। राइट आंसर 30 से 180 दिन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको मिसलेनियस वाले क्लास में इसको कराया भी है। अब जितने बच्चे लाइक नहीं किए एक बार लाइक ठोकिए, तो सभी लोग जितने बच्चे नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सप्रेशन द आपको डायफ्राम बिकम्स क्या होता है, आंसर बताइएगा। फ्लैटेंड हो जाता है, डोम शेप में हो जाता है, नॉर्मल होता है, या फिर आपको ऑब्लिक्विक होता है, क्या होता है, हिंदी देख लीजिए कितना खतरनाक, मतलब जो नहीं किए उनको बोल रहा हूं, जो किए उनको थोड़ी बोल रहा हूं, आंसर बताइए। वेरी नाइस। ग्रेट, यस डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड है ना, डोम शेप्ड होता है, ये हम लोग पढ़े भी है। कहने का मतलब कि जैसा आप लोग सांस लेते हैं ना, तो आपके नीचे, यानी इसको आप लोग बायोलॉजी में पढ़िएगा, यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कैसा होता है जब हम लोग सांस आपको लेते हैं यस या छोड़ते हैं, तो कैसा होता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कंसिडर्ड एज एटमोस्फेरिक पॉल्यूएंट, कौन माना जाता है इसमें से बताइए। अभिमन्यु, सुनील, नेहा, सुमित, दीपक, पिंकी, कुमारी, संजना, रिपु, सतीश, सुमित, स्वाति, सृष्टि, इंडिविजुअल, नंदन, नींबू, रवि, दिलीप, एला, रिचा, गुलशन। वेरी नाइस, सभी का सही है। मोना, रुचि, शुभम, अंचल, जितेंद्र, महताब, प्रमोद, वेरी नाइस। राइट आंसर आपको सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप लोग सोचिएगा कि ई क्यों नहीं होगा, यही समझिएगा ना, ई क्यों नहीं होगा बोलिए। तो आयोग के तरफ से क्या किया गया था, क्वेश्चन क्या है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है यस, वैसे ओजोन को भी माना जाता है वातावरण प्रदूषण, यानी क्वेश्चन पे था वन ऑफ द फॉलोइंग कौन है इसमें से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। हाँ, ओजोन अगर आपको ट्रोपोस्फेयर में तो प्लंटेड होता है, वो ऊपर जाने के वक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज, वाइल्ड, मरहम, डीटीडी, या फिर आपको गैम्बूसिया। क्वेश्चन है जैविक नियंत्रण, क्वेश्चन और बताइए, सही बताइए। पुनीता, दिलीप, रामाशीष, मिक्की, इंदु, रितु, सतीश, वेरी नाइस, प्रियंका, नंदन, रिपु, स्वाति, मिक्की, संगीता, सुमित, कुमारी, संजना, संध्या, वेरी नाइस। राइट आंसर आपको गैम्बूसिया, ठीक है। कोई कमेंट में बता सकते हैं गैम्बूसिया क्या है, कोई कमेंट में बता सकते हैं गैम्बूसिया क्या है। आपका भी सही है पढ़ना, आपका भी सही है, एकदम सही है, आपका भी सही है जी। बताइए, आप ही लोग से पूछ रहा हूँ फिर से। हाँ, आपको क्वेश्चन भी आया हुआ है ये, जो मच्छरों को यस, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउज क्या है, संधिवात, गुर्दे की विकृति, स्कर्वी, या श्वसन तंत्र की बीमारी। एक बार हिंदी पढ़कर आंसर बताइएगा तो सभी लोग, चलिए आंसर बताइएगा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इंदु, वीना, पिंकी, सतीश, दिलीप, दीपिका, दीपक, मिक्की, प्रियंका, सपर्णा, प्रमोद,
ऋतु, कंचन, वीरू, अशोक, सुमित, इंदु, रोहित, मोना, सुमित, सुमित, स्वाति, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, कहाँ गया? यस, वेरी नाइस। सब पीछे से इंग्लिश एक्सप्लेन कर। वो जैविक उत्पाद कहा जाता है उसको, एक मछली पे, एक प्रकार जो कि मच्छरों को खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब, हृदय गति या फिर ध्वनि की तीव्रता? व्हाट डज ऑडियोमीटर मेजर्स? एल्टीट्यूड, एटमोस्फेरिक प्रेशर, आपको हार्ट बीट या इंटेंसिटी ऑफ साउंड? नॉन ऑफ द एबव या मोर देन द एबव? आंसर बताइएगा। कल आप लोग का 65 बीपीएससी का रिवीजन कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये आपको 7-8 दिन जो मैं रिवीजन कराऊंगा ना, आप लोग को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअली पता चल भी जाएगा। कल 65 का आप लोग का रहेगा, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द राइट आंसर, ये हमेशा रहेगा। अभी फिलहाल इस महीने भर 8:45 पर आप लोग को यूट्यूब पे मैं दिखूंगा, ठीक है, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर का सेशन करेंगे जैसे आज कर रहे हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे अनअकैडमी में नहीं है वो लोग भी अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर एक कोड लिखा होगा, यूज माई कोड अवेल लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट, और नीचे एक स्क्रॉल भी कर रहा होगा, है ना। तो आप लोग अनअकैडमी में आकर इस कोड के द्वारा जुड़ भी सकते हैं और आज एक बैच आया है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 3430 रुपये में आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं, और बेसिक कोर्स जो है आपको 7000 में कर सकते हैं। आंसर बताइए क्वेश्चन में 29, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, वेरी नाइस, ऑक्सीजन का परिवहन। यस, ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाता है। इफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड द डिस्टेंस इन मीटर, देन द वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन जूल, किलोबाइट, किलोग्राम वाइट, वेट मीटर या वाट? वाट है ये सब। चलिए ध्यान रखिएगा, यहां से कहने का मतलब है कि वर्क से आपको यूनिट से एक क्वेश्चन रहता ही है, यूनिट से आपको एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। नंदन, शिवम, सतीश, सुरुचि, जितेंद्र, मिक्की, ए बी, रॉक, वीना, एला, रितु, स्वाति, रमाशीष, इंडिविजुअल, रिद्धि, अंबिका, सुमित, प्रियंका, इंदु, रितिका, संध्या, सुरुचि, गुलशन, वेरी नाइस। वर्क नहीं, जूल में ध्यान रखिएगा इसको। हाँ, एक क्वेश्चन, एक यहां से 3 से 4 क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, तुम लोग पहले ही बोल चुके हो पिंकी, वेरी नाइस। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व तो नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट? आंसर बताइएगा। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या कैडमियम, इनमें से कौन सा आपको रेडियो धर्मी यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी को बहुत बहुत बढ़िया। मिक्की, स्वाति, सतराज, अनीता, वीरू, विपिन, शिवम, प्रियंका, सृष्टि, मोना, प्रमोद, आयुष, रिपु, अमृता, अस्मय, संध्या, दिलीप कुमार, वेरी नाइस, राइट आंसर आपको। हाँ जी, कैडमियम इज द राइट आंसर, यस, वेरी गुड, कैडमियम इज द राइट आंसर। हाँ, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब द क्लिनिकल डेथ टेक्स प्लेस व्हेन देर इज नो पल्स, देर इज नो हार्ट बीट, पपिल्स आर फिक्स्ड एंड डिलेटेड, एंड देर इज नो रिएक्शन टू लाइट, मतलब आंखों को पुतलियां क्या है, कोई रिएक्शन नहीं करती। सर, 4 बार भेजती हूँ तो आप पढ़ते हैं, अरे इतना यहाँ कमेंट मैं क्या करूँ। ऑल द अबव थ्री कंडीशन आज प्रेजेंटेड टुगेदर, अगर तीनों एक साथ अगर आए तो। आंसर बताइएगा, डॉक्टर मृत्यु की घोषणा कब करते हैं? डॉक्टर मृत्यु की घोषणा कब करते हैं? उपयुक्त सभी तीनों में से एक साथ तत्व मौजूद हो तो।
सभी जब एक साथ यहाँ पर मौजूद हो तो आपको नहीं मौजूद हो तब आप किया जाता है। वैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन ही बताया था कि बायोलॉजिकल डेथ किसको कहते हैं, डेथ ऑफ हार्ट, डेथ ऑफ ब्रेन, किसको? नहीं, इसमें स्पष्ट डी जब दिया ही हुआ है तो इसमें ई कैसे हो, जब स्पष्ट दिया ही हुआ है आपको कि उपयुक्त तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो तो, एक साथ जब एग्जैक्ट आंसर है बायोलॉजिकल डेथ ब्रेन डेथ कहते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बायोलॉजिकल डेथ ब्रेन डेथ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव या फिर कन्वेको कन्वेक्स, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आप लोग आंसर ऐसे बताइए, आप लोग ऐसे बताइए 33 का ए, 33 का बी, ऐसे करके बताइए तभी तो पता चलेगा मुझे। वेरी गुड अंबिका, जितेंद्र, सी के, मोना, दीप्ति, प्रियंका, इंदु, अभिषेक, अपर्णा, स्वाति, अनीता, सुमित, इंदु, आयुष, रामाशीष, सुमित, रिपु, स्वाति, रोहित, चुलबुल एंड बबली, शिवम, सुतु, वेरी नाइस। हाँ वही है मेरा। चलिए, कनकेव लेंस इज द राइट आंसर। अवतल लेंस को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कनकेव लेंस कहते हैं। जो भी बच्चे अभी थोड़ा सा लेट से जुड़े हैं थोड़ा सा शेयर कर दीजिए लिंक को, और थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिए लाइक कर दीजिए, जो बच्चे लेट से जुड़े हैं थोड़ा लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए अभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए, संघनन क्या है, वाट इज, क्या, वाट इज कंडेंसेशन, आंसर बताइए क्या। थोड़ा सा क्वेश्चन सर, मतलब अच्छा थोड़ा सा आप शेयर कर, थोड़ा ही कर लीजिए, ज्यादा कहूंगा तो करते नहीं, इसलिए कहा थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए, कई बच्चों को पता भी नहीं होता चलता है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। वेरी नाइस, नेहा, सुमित, वीरू, दिलीप, जितेंद्र, अपर्णा, सुमित, प्रियंका, अभिषेक, सतीश, सृष्टि, मोना, जितेंद्र, शिवम, अमृता, दयानंद, पुनीता, दिलीप, रमाशीष, इंदु, शिवम, सोनाली, रवि, प्रमोद, प्रियंका, वेरी नाइस, जबरदस्त, वीना, इंदु, यस। ये तो सबको, आप लोगों को बरसात में, बरसात का मौसम भी चल रहा है आप लोगों को पता भी होगा, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, चेंज ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय इंपैक्ट ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ए एंड बी दोनों। नाभिकीय विखंडन किसके संपात से होता है? न्यूक्लियर फिजन इज द कॉज्ड बाय द इंपैक्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये सब पढ़ा, ये सब नहीं, ये मैं साइंस में पढ़ाया था, जेपीएससी में पढ़ाया था, ये वहाँ जरूरत है, मतलब बीपीएससी में नहीं पढ़ाया, ये जेपीएससी में एक दिन पढ़ाया था, थोड़ा सा पढ़ाया था, ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, वहाँ पर मेंस के लिए कुछ पढ़ाना था इसीलिए। जितेंद्र, संध्या, दिलीप, इंदु, प्रियंका, प्रमोद, अमृता, ऋचा, शिवम, नहीं मैं डिटेल्स नहीं पढ़ाया था, थोड़ा सा बताया था, हल्का हिंट बताया था, सुमित, सी के, दीपिका, मिक्की, वीना, वेरी गुड सुप्रिया, रितेश, संगीता, नंदन, वेरी नाइस। न्यूट्रॉन को किया जाता है, हाँ अरे ये भी न्यूट्रॉन को मारा जाता है ना, कल किसी ने पूछा भी था मुझसे, अच्छा वो पता नहीं क्लास में है कि नहीं, न्यूट्रॉन का वार किया जाता है ना एक्टिव करने के लिए, भूल गए, फंस गए सब, प्रोटॉन में भी न्यूट्रॉन को ही केवल किया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, आंसर बताइए। अरे तुम नहीं फंसा, बहुत बच्चे फंस गए, तुम्हारा भी सही है जितेंद्र, वेरी गुड, बम्बारी, यस। क्वेश्चन नंबर आपको बताइए 36 का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, सभी लोग फटाफट, डी डी ए, डी डी महताब, रितिका, इंदु, जितेंद्र, दिगंबर, दिलीप, सुप्रिया, नीलम राज, सुप्रिया, सतीश, अशोक, सतीश, अभिषेक, मिक्की, पिंकी, शिवम, दयानंद, अमृता, सूरज,
रीचा, वेरी नाइस, सृष्टि, जस्ता एम तांबे का, जिंक एंड कॉपर का आपको यह मिश्रण होता है. यस, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? कल मैं आपको इस समय कराऊंगा, बताइए स्टील होता है, पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, या फिर आपको रॉट आयरन होता है. कहाँ गया यार, कल इस समय होगा 65 BPAC, 3 दिन ये चलेगा. उसके बाद मैं आपको करूंगा 64, देन 63, इसके बाद आपको 60 to 60, इसके बाद आपको 55 से 59 हुआ था ना, ये यहाँ तक हमारा टारगेट है, क्योंकि यहीं से 5 ऑप्शन शुरू हुआ था. ठीक है, यहाँ तक मैं आपको कवर कराऊंगा, सब तीनों तीनों पार्ट में रहेगा, तो मैं ये सीरीज लंबा कराऊंगा. यस, वेरी नाइस. पिटवा लोहा इज द राइट आंसर, रॉट आयरन इज द राइट आंसर. ठीक है, ये लोहा का शुद्धतम रूप है, जिसमें से आपको बहुत कम मिलाया जाता है, इसीलिए लोहा का शुद्धतम रूप होता है. यस, कल से आपको 65 BPAC शुरू होगा रिवीजन. लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, ऊर्जा चाल दूरी या तीव्रता से है. लाइट ईयर किससे संबंधित है? इनर्जी, स्पीड, डिस्टेंस या इंटेंसिटी? नन ऑफ द अबव, मोर देन द अबव. क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए सभी लोग. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये तो 100% है सभी लोग का. रितिका, शिवम, इंदु, गुलशन, पुनीत, सतीश, जितेंद्र, सूरज, पुनीता, सीकेन, विजुअल, दिंदु, रामाशीष, रिचा, दिलीप, महताब, एला, दिगंबर, बीरू, आप लोग में से कितने कितने सही हुए हैं अभी तक, नोट किए हैं. कल से आप लोग एक काम कीजिएगा, जैसे यहाँ पर तो हम लोग MCQ वो तो नहीं कर पाते हैं, कल से यहाँ पर आप लोग का एक काम ये रहेगा कि आप लोग से जो मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 40 में से आप लोग देखिएगा कितने सही हुए हैं, स्कोर क्या हुआ, सही कितने हुए, कितने गलत हुए. 5-6 आज है ना, कल से काउंट कीजिएगा, कल से क्या कीजिएगा, काउंट कीजिएगा. ऐसे में आप लोग को अपना पता चलता है कि ठीक है, YT वाला सब सही है. ठीक है, ध्यान रखिए, कल से थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ऐसे आपको अपना पता चलेगा कि मेरा क्या पोजीशन, क्योंकि ये BPSC का क्वेश्चन है, इधर उधर का नहीं कराऊंगा मैं, BPSC का कराऊंगा. इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा थैंक यू, ये लास्ट क्वेश्चन था. मैं आप लोग को 1 मिनट के लिए बता देता हूँ, कुछ बच्चे अगर आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन था, कल आप लोग 65 का होगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग को जो भी यूट्यूब पे बच्चे हैं ऐसे जुड़ सकते हैं आप लोग अनअकैडमी से, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐसे, उसके बाद आप लोग साइन इन कर लीजिए अपने नंबर से, जो भी आपका नंबर है. OTP आएगा, OTP के बाद यहाँ पर आप BPSC देखिएगा, और BPSC सर्च कीजिएगा, और यहाँ पर एक कोड पूछेगा, अभय लाइव डाल देना. जितने भी फ्री क्लासेस हैं आपके लाइव हो जाएंगे. कल 1:30 बजे मेरा इस फ्री क्लास है, एंड आपको 2:30 बजे, 1:30 बजे मैं कर लूँगा गुलाम वंश. ध्यान रखिएगा, कल 1:30 बजे गुलाम वंश होगा लूसेंट से. अगर आप लोग पढ़ कर आना है तो आ जाइएगा 1:30 बजे, 1:30. ध्यान रखिएगा, अभय लाइव कोर्स से आप लोग अनलॉक कीजिएगा. और 2:30 बजे होगा जनवरी का करेंट अफेयर स्पीडी से. तो ये दो क्लासेस मेरे पर डे चलते हैं. कल का टॉपिक है गुलाम वंश. ठीक है, कल का टॉपिक है, नहीं आज वर्ड नहीं है, गुलाम वंश. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको अभी अनअकैडमी 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो आपको, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो 2 महीना फ्री देगा, 2 साल का लीजिएगा तो 3 मंथ अभी फ्री दे रहा है. दिगंबर, आपके पास SSC का, तो आप BPSC कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, आपके पास तो क्वाइंस भी होंगे, क्वाइंस आप यूज कर लीजिए, आपके 1 ईयर के 7 ही हजार लगेगा. ठीक है ना, अभी आपको ये सब सीरीज आज ही यह बैच आया है. ठीक है, ध्यान रखो, नहीं ये अंतिम पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, 7:30 बजे जो चल रहा है, 21 जुलाई, 21 जुलाई को यह बैच, यानी आज यह बैच आ चुका है. आप लोग जिसके पास क्वाइंस है, 720 रुपीज में ये हो जाएगा 14th मंथ का. और ये परसों है, क्रैश कोर्स है, दरोगा के लिए काम आएगा, CDPO के लिए काम आएगा, और आपको 67 के लिए काम आएगा, सबके लिए. तो इसमें आप जुड़ जाइएगा, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन होगा, एक कोड पूछेगा, रेफरल कोड वहाँ डाल देना, अभय लाइव, और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर 7700 में हो जाएगा, ज़्यादा कॉइन्स होगा 7100. ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग, थैंक यू. 10 बजे आप लोग आ जाइएगा. हाँ, 10 बजे क्लास है आप लोग का, जो दिन में टेस्ट हुआ था ना उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, बस वही क्लास है, वो 10-15 मिनट का क्लास है बस. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग सभी लोग के साथ फिर से. ठीक है, हाँ जी, चल जी, चलिए, थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए.